स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा सिविल इंजीनियर पे। आज का वीडियो का मेन फोकस, मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि वैसे बच्चे जिनका 15,000 प्लस रैंक है, ठीक है, या 20,000 प्लस रैंक है, या 30,000 मानो या 40,000 प्लस रैंक है, उन बच्चों को कैसे अपना चॉइस फिलिंग करना चाहिए, किस हिसाब से कॉलेज को अरेंज करके भरना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहे अदर बच्चा के मुकाबले आपको कॉलेज मिलने का। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ये जो चॉइस फिलिंग 41,000 रैंक के बच्चे का मैंने किया, फीमेल थी तो फीमेल रैंक भी अलग है, तो 41,000 प्लस मतलब 40,000 प्लस रैंक वाले बच्चे का मैंने ये चॉइस फिलिंग किया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि किस हिसाब से आप भी कीजिए ताकि आपको आसानी से आप लोगों को कॉलेज मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल सीट जो है इस बार आप लोगों का पॉलिटेक्निक में 10,536 सीट है। कितना सीट है, दो आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 10,536 सीट है, जिसमें से आपको जनरल का जो सीट है वो 4,214, एससी का सीट 1,686, एसटी का 105, इसी टाइप से यहां बांटा गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10,536 सीटें रखी गई है। अब मेन बात आता है कि कैसे हम लोगों को चॉइस फिलिंग करना चाहिए, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग भरते हैं, अगर आपका चांसेस ज्यादा है, आपको सिविल लेने की ज्यादा प्रिफरेंस है, तो जैसे इस बच्चे का घर बाहर औरंगाबाद साइड था तो मैंने सबसे पहले औरंगाबाद और गया दिया, सिविल और सिविल, ठीक है। तो आप एक चीज पैटर्न को यहां देखो कि मैंने जो सभी कॉलेजेस को जो सीरियल वाइज किया है वो मैंने क्या किया है, सिविल ही ज्यादा डाला है शुरू में। देखो सारा सिविल है हमारा एक सीरियल वाइज से, कहीं पर भी बीच में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या सीएसई ब्रांच मैंने कहीं पर भी नहीं डाला है। बात को समझना आप लोग, तो आप लोग देखो एक नंबर से लेकर आप लोग देखो 41 नंबर तक क्या है हमारा, सिविल ही डाला गया। मतलब इनका जब काउंसलिंग होगा, इनका तो रैंक ज्यादा है, मान के चलो किसी बच्चे का अगर रैंक ज्यादा है या किसी बच्चे का रैंक अगर कम है, जब चॉइस फिलिंग को चेक किया जाएगा तो अगर मान के चलो गलती यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, इनको मान के चलो औरंगाबाद में कॉलेज नहीं मिला, गया में भी नहीं मिला, भाग पटना में नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, मान के चलो इन पांचों जगह में नहीं मिला। अब लेकिन अगर बच्चा यहाँ इलेक्ट्रिकल दिया रहता तो उसको क्या होता, इलेक्ट्रिकल मिल जाता, सिविल नहीं मिलता, बाद में अगर सिविल रहता तब भी नहीं मिलता। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा मोस्ट प्रिफरेंस लेना है कि अगर हमको सिविल ब्रांच ही चाहिए, तो आपको यही करना है कि सबसे पहले सारा कॉलेजेस आपको सिविल का भरना है। जिन बच्चे का रैंक कम है, मतलब 1000 में है या 2000 के अंदर है, तो वो ऐसा गलती ना करें कि वो सबका सब सिविल भर दे, ठीक है। आप लोग कम भी कॉलेज भरोगे तब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वैसे बच्चे जिनका बहुत ही ज्यादा रैंक है उन बच्चों के लिए मैं टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे देखो मैंने 41 तक पहले सिविल भर दिया। अब इस बच्चे का मन था कि हमको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मिल जाए, कोई भी ब्रांच मिल जाए, तो मैंने क्या किया, हर जगह इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डाल दिया। देखो ये पटना का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, ये भी पटना का हो गया, ये भी हो गया मुजफ्फरपुर का, सहरसा का, गया का, तो इस हिसाब से भी आप भर सकते हो। तो मेन जो बच्चे का ये मोटिव था इस बच्चे का कि हमको सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलने की चांसेस ज्यादा हो, तो इसलिए मैंने ऐसा इसका भरा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे ब्रांच की। अब इनका था कि ज्यादा हाई रैंक था तो कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो मैंने अदर्स ब्रांच की ओर भी फोकस किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो देखो सारा यहाँ पर मतलब मैंने 120 रैंक तक, 120 जो च्वाइस फिलिंग हुआ उसमें मैंने सिर्फ सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डाला है। देखो कोई ब्रांच नहीं है, मतलब जब मेरा काउंसलिंग इस बच्चे का होगा तो 120 तक देखा जाएगा कि इस बच्चे को सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो दे दो, 120 के बाद चेक किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिल हो रहा है कि नहीं, इसको मिलना है तो मिल जाएगा।
तो आपको ये देखो 120 तक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने का चांस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 120 के बाद इसका चॉइस फिलिंग होगा, तब देखा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स होगा कि नहीं। और सबसे लास्ट में देखो मैंने क्या दिया है, सॉरी कंप्यूटर साइंस के बारे में हम लोगों ने डाला है, मतलब इसका लास्ट चॉइस था कि हमको सीएससी भी अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा, तो ये लास्ट ऑप्शन में मैंने इसको रखा है। तो टोटल देखो आप लोग 178 कॉलेज भरे हैं, जिसमें से इस 178 में 120 तक सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल था, और बाद का जो 58 था उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएससी बना। तो आपको भी इसी टाइप से पैटर्न के हिसाब से भरना है फॉर्म। वैसे बच्चे जो जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है या काउंसलिंग कराने में दिक्कत हो रही है, उन्हें पता नहीं चल रहा है किस हिसाब से भरना है, तो वो मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड हमारे इस नंबर पे भेजिएगा, हम यहाँ से आपका काउंसलिंग करवा देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया था। या आपको कोई भी ब्रांच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिप्लोमा से रिलेटेड, मैं आपको इसके जरूर सुझाव दूंगा। आप मेरे बारे में आप लोगों को पता है, मैं धीरज कुमार, आप लोग मैंने डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों सिविल से किया हूं, ये जीपी बीजेपी भागलपुर से और ये जीएससी बांका से, दोनों हमारा गवर्नमेंट कॉलेज था और दोनों मैंने सिविल से किया हूं, तो इसलिए मुझे ज्यादा पता चल चुका है कि किस हिसाब से आप लोगों को चॉइस को फिलिंग करना चाहिए। तो वैसे बच्चे जिन्हें कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये जो पैटर्न मैंने समझाया कि आप लोगों को फील कैसे करना है वो आप लोगों को क्लियरली हो गया होगा, जैसे देख भी रहे होगे सारा सिविल एक साथ है। तो कोई भी दिक्कत आ रहा है तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू, आगे कोई भी अपडेट आता है तो हम लोग जरूर बात करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।